ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MCAH, मदर चाइल्ड हेल्थ की मकासद क्या थी? पांच बड़े मकासद थे। नंबर एक मकसद ये था टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी ऑफ मदर। बहुत से ऐसी माँ थी जो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान वो अपात हो चुके होते थे या उसमें कोई अमराज बीमारियां इस तरह हो लगी लगती थी कि उसकी वजह से वो माजूर हो जाती थी। तो इस मकसद के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए, यानी शरही अमवात यानी बच्चे की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से जो मौत आती थी, पोत हो जाती थी, उसको कम करने के लिए, और दूसरा मॉर्बिडिटी शरही अमराज यानी प्रेगनेंसी से जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लगती हैं प्रेगनेंसी के दौरान आती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उसकी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए ये MCH सेंटर्स जो है, ये मराकज और ये मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटी ये शुरू की गई। नंबर एक दूसरा मकसद इसका ये था, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि रिडक्शन ऑफ पेरीनेटल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट। इसमें क्या था? इसमें ये था अगेन मॉर्टेलिटी यानी शरही अमवात और शरही अमराज, इस को किस में ये बचाना था, यानी माँ और बच्ची दोनों में। जब एक बच्चा पैदा होता है, पेरीनेटल मींस जब बच्चा माँ से जुदा होता है, डिलीवर होता है, तो उस दौरान बच्ची और माँ दोनों की शरह अमवात और शरह अमराज को कम करना था। तीन नंबर इसका बड़ा मकसद था टू प्रमोट रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसको प्रमोट करना था, इसका बड़ा मकसद ये था। तीसरा नंबर, चौथा इसका बड़ा मकसद क्या था कि इसका साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ मदर एंड चाइल्ड। एक फैमिली में माँ और बच्ची को नफसियाती तौर पर और तबी तौर पर उसकी सेहत को, उसको जो है क्या करना था, डेवलप करना था। और लास्ट आखिरी प्रमोट मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, फैमिली प्लानिंग एंड रिड्यूस एन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के एतबार से फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करना था, क्योंकि ये वक्त कम है तो इसलिए मैं डिटेल से नहीं जाना चाहता हूँ। बस ये पांच बड़े मकासद थे MCH सेंटर